महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के उंडासा तालाब के पूर्व में स्थित पिंगलेश्वर महादेव 84 महादेवों में 81वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पिंगला नामक एक ब्राह्मण कन्या की अल्प आयु में ही जब उसकी माता का देहांत हो गया तो उसके पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म की बात बताई तथा कहा, तुम पूर्व जन्म में वैश्या थी। एक ब्राह्मण पुत्र की तुम्हारे घर पर मृत्यु होने के कारण ब्राह्मण के परिजनों द्वारा दिए गए शाप के फल स्वरूप तुम्हारे माता पिता का देहांत हुआ है, तथापि तुमने एक अन्य ब्राह्मण पुत्र द्वारा की गई चोरी को खुद पर ले लिया था, अतः तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। तुम अब अपने मोक्ष के लिए महाकाल वन के पूर्व में स्थित दिव्य लिंग की उपासना करो। पिंगला द्वारा वैसा ही करने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वैश्य पिंगला द्वारा पूजे जाने के कारण इस दिव्य लिंग की प्रसिद्धि पिंगलेश्वर के रूप में हुई। पिंगलेश्वर की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। मेरा नाम विजय शर्मा, पिंगलेश्वर पुजारी। यहाँ के जो ये मंदिर में शिवलिंग है, इसके इतिहास के बारे में क्या, इसके पीछे पौराणिक कथा, उसकी जरा जानकारी दीजिए। महाकाल जो है उनके पहले द्वारपाल है, तो पिंगला नाम की लड़की थी ब्राह्मण की, वो अगले जन्म में वेश्या थी और दूसरे जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी। जब उनने वेश्यापन में किसी ब्राह्मण के लड़के को जाल में फंसा के मरवा दिया, तो उधर तो उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि तू बचपन में अगले जन्म में माता से रहित हो जाएगी और भर जवानी में कोई नहीं रहेगा। तो उसी श्राप को छुड़ाने के लिए उसने किसी दूसरे ब्राह्मण के वहाँ उसकी भी ऐसी चाल से, ऐसी जब वेश्या के यहाँ कोई ब्राह्मण लड़का मर गया था, तो उसी ब्राह्मण लड़के की उन्होंने की जान बचा दी उस वेश्या के वहाँ जाकर। वेश्या ने जाकर वेश्या के वहाँ से तो उधर आशीर्वाद मिल गया था उसको कि अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। तो जन्म तो ले लिया अपना ब्राह्मण कुल में, बाकी उसका उद्धार नहीं हुआ, वो सरा अपने पीछे नहीं छोड़ा। जब उस अगले जन्म में माता ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो माता से रहित हो गई। बचपन में जब तो पिता ने साथ में रखी और पिताजी उसके तपस्वी थे तो तपस्या करते रहे और भर जवाने में उनने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो जब वह अकेली रह गई तो लाश को नहीं उठाने दिया, तो इंद्रदेव वरुण देव यमराज चारों देवता ब्राह्मण रूप में आकर उसे समझाने लगे। तो जब उनने समझाया तो उनने कहा कि आप तो भगवान रूप है। तो फिर जब उनने बोला कि आप अगर भगवान रूप है तो अब मैं क्या करूं, तो कि महाकाल द्वारा स्थापित है, वहाँ पहला द्वारपाल है महाकाल के, इनका सेवा अर्चना करो। जब उनने सेवा अर्चना करी तो इसी मूर्ति में आत्मसात कर लिया भगवान ने, मतलब शरीर से लायक हो गई वो। इसी नाम से इनका नाम पिंगलेश्वर हो गया और इनका दर्शन पूजन व अभिषेक करने पर हजारों यज्ञों का फल मिलता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।